कराऊं मैं इसको। अच्छा ये कह रहा है जी, हफीज लिमिटेड इज प्लानिंग टू बिड फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई अ मशीन अंडर एन ऑपरेटिंग लीज अरेंजमेंट। यानी हमने जो है ना एक काम ये करना है कि एक मशीन है वो हमने देनी है 5 साल की लीज अरेंजमेंट के ऊपर, हम इसमें लेसर है, ठीक है जी। फिर द टर्म्स प्रपोज्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स अ स्पेशल अरेंजमेंट वेयर बाय द सप्लायर लेसर विल ऑपरेट एंड मेंटेन द मशीन। ठीक है सर, अब हमने जो है ना वो मशीन को मेंटेन भी करना है और ऑपरेट भी करके देना है। इसका मतलब है ना सिर्फ मशीन देनी है बल्कि मशीन के साथ साथ उसको ऑपरेट भी करने का जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। मशीन भी हम दें ऑपरेट भी हम करके दें तो फिर हम रेंटल अकॉर्डिंगली चार्ज करेंगे दोनों चीजों को मिला के, ठीक है। फिर कह रहे जनाब हफीज लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू कोट अ कंसोलिडेटेड एनुअल फी। व्हाट इज मीन बाय कंसोलिडेटेड एनुअल फी? हमने क्या करना है सर, जो भी हमारा हिसाब किताब है, जो ये हमारा एक तो मशीन का पैसा और दूसरा फिर उसका मेंटेन करने का पैसा, ये दोनों मिला के हमने एक फी के अंदर ही कवर करना, ठीक है। द फॉलोइंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है जी? 50 मिलियन, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। फिर वो कह रहे 10 साल इसकी लाइफ है। सर हमने लीज पे इसको 5 साल के लिए देना, तो जब 5 साल के बाद वापस आएगी ना तो लेसर आमतौर पे मशीन को होल्ड नहीं करता, क्या करता है उसको बेच देता है, रखता नहीं अपने पास सर वो। यानी कि वापस आने के बाद हम उसको कहीं इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं, लेसर का काम ही नहीं है चीजें मैनेज करना, लेसर तो इन्वेस्टर होता है, ठीक है जी। फिर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, अच्छा फिर वो कह रहे 10 साल और अगर हम 5 साल बाद इसको बेच देंगे कितने में? 25% में, ठीक है जी। ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर वुड बी 6 मिलियन विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10%। ये हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट आ गई, ठीक है जी। ये हमारे पास एसेट की एक्विजिशन से रिलेटेड क्लॉज है, ये हमारे पास किससे रिलेटेड क्लॉज है? मेंटेनेंस। फिर द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी इज 35% पेबल इन द सेम ईयर, ठीक है जी। टैक्स हमारे पास 30% है सर, 35% है। फिर वो कह रहे जी हमें इनिशियल अनाउंस मिलेगा इस एसेट पे 25 और 10। ये इनिशियल अनाउंस किसको मिलेगा? यूजर तो लेसी है। नहीं सर, लीगल ओनर हम है तो ये इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन हमें मिलेगा 25 और 10%। और हमारा सर जो डिस्काउंट रेट है वो कितना जनाब? 14% है। ऐसा लास्ट क्लास में मैंने इससे मिलता जुलता सवाल ऑलमोस्ट आपको करवा दिया था और मैंने आपको ये दिया था घर से करने के लिए, ठीक है जी। और इसके बाद मैंने आपको घर से करने के लिए रात को एक और सवाल भी भेजा, वो एक सवाल देखना, वो बहुत अच्छा सवाल मैंने बनाया। उसमें सर जो एसेट है उस पर डेप्रिसिएशन भी आ रही है लीज एसेट अक्वायर करने पे। अच्छा जी अब बताएं सर, मैं इस सवाल को करवा रहा हूँ, आप देख लें, अगर इसमें आप लोगों ने कोई गलती की है तो मुझे बता दें। देखिए मैंने आपको कहा था कि लेसर के लिए अगर आपको एग्जामिनर ये कहना है कि रेंटल निकालना है तो सबसे पहले आप एक काम ये करें कि ये अज्यूम करें कि रेंटल है ही नहीं कोई। पहले आप एक काम करें, सारा हिसाब किताब ऐसे देख लें जैसे रेंटल है ही नहीं कोई। फिर उसके बाद क्या करें, फिर देखें कि सर रेंटल आपको आपकी टारगेट एनपीवी अचीव कराने के लिए कितना रखना है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा। मेरे बच्चों मेरे पास सबसे पहले मेंटेनेंस कॉस्ट, जितने खर्चे यहां डाल दो मेंटेनेंस कितने की है खुद बताओ। वो कह रहे पहले साल की मेंटेनेंस 6 मिलियन की है, तो मैं काम कर रहा हूं, मैं 6 मिलियन को 6 रख रहा हूं, ठीक है जी। मैं सारा सवाल किस पे सॉल्व कर रहा हूं, मैं मिलियन से रख दूं 6। फिर अगले साल 10% इंक्रीज, फिर अगले साल 10% इंक्रीज एंड सारे सालों में 10% इंक्रीज, ठीक है जी। ये मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट आ गई। अच्छा मैं इसको रखना चाह रहा हूं नेगेटिव में, क्यों? क्योंकि ये मेरी कॉस्ट है, डन। फिर मैं रखना चाह रहा हूं सर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मेरे पास दो किस्म की है, इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन। मेरे पास दूसरी कौन सी है? नॉर्मल। इनिशियल अलाउंस कितना जनाब? वही मुझे ईयर वन पे मिलेगा 50 मिलियन का 25%। अब बाकी कितना रह गया? 50 मिलियन का 75%, तो 50 मिलियन के 75% का 10%। 50 मिलियन के 75% का 10% मुझे मिलेगा पहले साल का डेप्रिसिएशन, डन। ये आ गया सर। फिर हर साल ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन चूंकि 10% है तो ये 90% रह जाएगा,
मल्टीप्लाई बाय 90%, फिर मल्टीप्लाई बाय 90%, फिर मल्टीप्लाई बाय 90%, और आखिरी साल आपको बैलेंसिंग चार्ज मिलेगा। वो कैसे मिलेगा सर? ऐसे मिलेगा कि हमने एसेट खरीदा है कितने का, हमने एसेट खरीदा है 50 मिलियन का, इसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 5 साल बाद? वो कह रहे 25%, तो ये आ गया 12.5। इसका मतलब है पूरा जो डेप्रिसिएशन 5 सालों में आपको मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 37.5। ये टोटल डेप्रिसिएशन, इस टोटल डेप्रिसिएशन में से हमें ऑलरेडी 4 सालों में कितना डेप्रिसिएशन मिल चुका है ऑलरेडी, मैं बताऊं कितना मिल चुका है। एक इनिशियल अलाउंस मिला, फिर एक ये मिला, फिर एक ये मिला, फिर एक ये मिला, और फिर एक ये मिला, तो सब मिला के मुझे 25.4 रुपए का सर जो डेप्रिसिएशन है वो मिल गया। बाकी का डेप्रिसिएशन 12.1 रुपए का आपको कब मिलेगा? लास्ट ईयर मिलेगा। ऐसा ये निकाल लिया था सब लोगों ने, पक्का डेप्रिसिएशन आ गया, मेंटेनेंस आ गई, और हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो खर्चे का बायस हो। मैं कर रहा हूं इनको ऐड, ये मेरे पास सर हर साल का लॉस है, ठीक है। सीधी सी बात है सर, इस लॉस पे मुझे क्या मिलेगी? टैक्स सेविंग्स मिलेगी सर, लॉस बिफोर टैक्स, ठीक है जी। टैक्स सेविंग्स कितनी? मल्टीप्लाई बाय 35%, ठीक है जी, मैं लिख भी देता हूँ एट 35%, देन एंड सो ऑन 35% पे आ गया, पक्का। अब बताएं इसके बाद मुझे ड्राफ्ट करने हैं इनिशियल आउटलेज, इनिशियल, अच्छा डेबिशन एड बैक भी करना है, सॉरी कितना भाई डेप्रिसिएशन जो एड बैक करने वाला है? 12.5 भी और 3.75 भी, दोनों ऐड कर दिए। फिर इस साल सिर्फ 3.38, इस साल 3.04 एंड सो ऑन, डेप्रिसिएशन ऐड बैक हो गया, पक्का। अब मेरे प्यारे बच्चों इनिशियल आउटले ले लेते हैं, कितने का 50 मिलियन का, और सर फिर रेजिडुअल वैल्यू भी ले लो उर्दू जुबान में कितनी, 12.5, बस यही है। अब मैं इस प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालूंगा ना तो सिग्निफिकेंटली बड़ी नेगेटिव एनपीवी है। ये आगे जी मेरे पास कैश फ्लो, तो मैं एनपीवी निकाल रहा हूँ किस रेट से? 14% से, क्योंकि ये हमारा डिस्काउंट रेट है। दिया मैंने सवाल में मेरे प्यारे बच्चों, दिस डिवाइडेड बाय 1.14 रेस टू द पावर 0, ऐसा। फिर सर दिस डिवाइडेड बाय 1.14 रेस टू द पावर 1, यही है, एंड सो ऑन, ऐसा। तो बताए मेरे पास सर एनपीवी कितनी आ गई? ये आगे 50.07 की नेगेटिव एनपीवी। हमें तो पॉजिटिव चाहिए थी, हमें कितनी चाहिए थी? 15% ऑफ इनिशियल आउटले पॉजिटिव चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई टारगेट एनपीवी कितनी है, तो आप कहोगे जी 50 का 15%, ये हो जाए 7.5। अभी हम कितने पे खड़े करंट एनपीवी विदाउट रेंटल, ऐसा। वो कितना है जी? वो है -50.075। अब फर्दर एनपीवी रिक्वायर्ड थ्रू रेंटल्स कितने, इतना एनपीवी चाहिए। इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? रेंटल निकालना पड़ेगा। अब बताओ रेंटल कैसे निकालें सर? दिस डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 0.14 डिस्काउंट रेट रेस टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.14, ऐसा। ये मेरे पास 5 सालों पे रेंटल की अमाउंट आ गई, ऐसा। लेकिन अब मैं इसको क्या करूंगा? तो ग्रॉस अप करूंगा कितने से? 65% से, ऐसा। 16.77 डिवाइडेड बाय 65%, ऐसा। यही मांगा था उसने 25.8, ऐसा। और आप कह रहे हैं अगर 25.8 हमने रखा तो हमारी एनपीवी आप कह रहे हो कि 0 हो जाएगी, ऐसा है।
आप अभी चेक किए देते हैं, ये सारा मैं दोबारा उठा लेता हूँ। ये सारा मैंने दोबारा उठा लिया, ये मुझे पता था जन करेगा। सारी चीजें वही है, अब मैं सिर्फ इधर एक चीज ऐड कर रहा हूं, वो क्या है, रेंटल्स कितने, 25.8, 25.8, 25.8, 25.8 और 25.8 ऐसा। और हमारे पास सर कोई चीज चेंज होगी इसमें, सर हमारे पास ये प्रॉफिट आ गया, ये टैक्स आ गया, टैक्स सेविंग्स आ गई सर हमारे पास 35%, डेप्रिसिएशन हमने ऐड बैक कर दिया, ये हमारा आ गया सर रेवेन्यू वैल्यू। हो गई एनपीवी 7.5 रुपए की, हैं? प्रूफ भी कर दिया हमने। अब अगर आप इसको कॉपी करना है तो यहां से आप इसको कॉपी करेंगे, ऊपर वाला पार्ट कॉपी करना, नीचे वाला पार्ट छोड़ देना, ठीक है। ये वाला पार्ट आपने कॉपी करना, तो पहले एक मिनट, अच्छा जी सर थोड़े टाइम में ना हम वो भी शुरू कर देंगे अपना थ्योरी, हमने इससे शुरू करना है, तो थ्योरी का हिस्सा जो है मैं किताब से डायरेक्टली पढ़ाऊंगा जो हमारी किताब है, और मेरी आपसे इल्तिजा ये रहेगी कि आप ना उसको हाथों हाथ याद करना और केसेस करने, ठीक है, साथ साथ सर, जिसमें लीज एक्स प्राइस दे, जैसे एक्स प्राइस दे एसेट ले लेगा उसके नेक्स्ट ईयर से डेप्शन शुरू होगा, उसी वक्त से डेप्शन शुरू हो जाएगा ना, फिर ईयर थ्री के एंड पे दिया तो ईयर फोर से डेप्शन शुरू। सर होमवर्क के क्वेश्चन में उसमें एक्सेंस दे, अच्छा देखो याद रखो, याद रखो जो सन कॉस्ट होती है ना उसको आपको क्या करना हो, इग्नोर करना हो। जैसे मिसाल के तौर पर एक प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च की गई है, रिसर्च हो चुकी है, पैसे दिए जा चुके हैं, अब वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, ऐसा है। अच्छा जी सर कल वाले वीडियो सॉल्यूशन दे दें काइंडली, सर कितना आसान सवाल है होमवर्क का, उसके उसके वीडियो सॉल्यूशन में क्या हुआ, मैं फिर रिपीट कर दूं, लाइसेंस पे अमोर्टाइजेशन ये सारी चीजें जब तक लिखा ना हो ना उस पर काम करना नहीं है यार, जो शुरू की कॉस्ट इनकर हो चुकी है ना उसको आपने क्या करना, इग्नोर करना, ठीक है जी। हम आगे बढ़े, हमने अभी आई आर आर नहीं देखा, लास्ट ऑप्शन ऐड बैक नहीं हुआ, सवाल बेटा डेप्शन ऐड बैक और लेस करते क्यों, टैक्स निकालने के लिए, तो जब टैक्स निकाल चुके थे तो मैं डेप्रिसिएशन को भी लेने की जरूरत ही नहीं, मैंने इसलिए टैक्स की वर्किंग अलग की और कैश लॉस की वर्किंग अलग की, कैश लॉस में फिर डेप्रिसिएशन लेस हुआ था। कैश लॉस के अंदर डेप्रिसिएशन लेस हुआ था तो मैं एडबैक कर देता हूँ, जब लेस ही नहीं हुआ तो मैं एडबैक क्यों करूँ, ऐसा बच्चा जो पूछ रहा था मास होमवर्क वाले क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन लेस हुआ हुआ चेक करो, नहीं हुआ ना तो एडबैक करने की जरूरत, डेप्रिसिएशन लेस क्यों करते हो, ताकि प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट पे टैक्स निकालो, फिर टैक्स निकालने के बाद डेप्रिसिएशन क्या कर दो, एडबैक कर दो, मैंने टैक्स की वर्किंग ही अलग कर दी थी, ठीक है जी। अच्छा वर्किंग अलग की क्यों, क्यों की थी, डाउन पेमेंट की वजह से, क्योंकि डाउन पेमेंट सेंडर, अब आ रहा दोस्त अब एक छोटा सा हमने सिनेरियो देखना, अल्लाह के वास्ते बहुत तमीज तरीके से देखना ताकि चीजें जहन में बैठ जाएं। सर दो सवाल उस पर कराऊंगा मैं, पहले एक छोटा सा इलस्ट्रेशन आपके सामने रख रहा हूँ, आपने मुझे पहले एनपीवी कैलकुलेट करके देनी सीधी सीधी, ठीक है जी, कैसी कैसी सीधी सीधी, एक छोटा सा सिनेरियो आपके सामने, सीधा सीधा एनपीवी का सवाल है। सर अज्यूम करें मेरे पास इनिशियल आउटले है 1 लाख का, कितने का, 1 लाख, ठीक है जी। सर मेरे पास रेजिडुअल वैल्यू है इसकी 22,000 रुपए,
प्रोजेक्ट की लाइफ या टर्म है 4 साल, ठीक है जी। फिर आपसे एग्जामिनर ये कह रहे जी हमारी सालाना सेल्स सर 10,000 यूनिट्स हैं और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है 8, कितने हो गई 80,000। सर हमारे आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है, टक टक की आवाज है, अब आ रही है टक टक की आवाज। खड़प खड़प अब अभी भी आ रही है, अभी तो नहीं आ रही टपाटप है। चलो जी अब सही है सर। सेल्स आ गई, फिर उसके बाद हमारे पास है वेरिएबल कॉस्ट, सेम 10,000 यूनिट्स हैं और 2 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट से कितनी हो गई 20,000। हमारी सालाना सेल्स 80 और सालाना वेरिएबल कॉस्ट कितनी 20,000। सर हमारी फिक्स कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन 5,000 रुपए, ठीक है जी। गौर सुनना सर, हमारा डेप्रिसिएशन सर 20% डिमिनिशिंग बैलेंस पे, ठीक है जी। टैक्स रेट 30%, सर मेरा डिस्काउंट रेट 10%, मुझे एनपीवी निकाल लेना, उस एनपीवी का इस्तेमाल करना है हमने आगे जाकर, ठीक है। एनपीवी जरा देख के निकालिएगा, अच्छा चलो। असल में मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ऐसे ही बोलता हूँ, वो ला ही देते हैं। चलो आओ उसको मैं करवा रहा हूँ यहाँ बोर्ड पे, देखो। वेरी गुड जी, सबने एनपीवी निकाल लिया था, यकीन करें एनपीवी हमारा सब एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव नहीं है एनपीवी निकालना, ठीक है जी। एनपीवी से हमें करना क्या है वो जरा देख लेना, बोर्ड पे देखो। सुनो मैं एनपीवी निकाल रहा हूँ, बोर्ड पे देखो, सारी चीजें छोड़ के फोकस करो। मैं एनपीवी निकाल रहा हूँ, 2 तरीके से निकालूंगा पहले मैं, ठीक है जी। मैं एनपीवी निकाल रहा हूँ सर कैश फ्लोज, वो थ्री खैर चार साल है मुझे बताए। सबसे पहले मेरे पास सेल्स आएगी कितने की 80,000। फिर सर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट होगी कितने की, हर साल 20 है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो पूछ ले। सर फिक्स कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन कितना 5,000, ऐसा। फिर मेरे पास है डेप्रिसिएशन, ये जो डेप्रिसिएशन है पहले साल की है 1,00,000 रुपए वाले एसेट की, कितनी 20%, फिर इसका 80%, फिर इसका 80%, और आखिरी साल हमारे पास जो 1,00,000 का एसेट है उसमें से 22,000 रुपए रेजिडुअल वैल्यू होगी, बाकी सारा डेप्रिसिएशन है, ठीक है जी। इस डेप्रिसिएशन में से हमें अलाव हो चुका है 20,000, 16 और 12,800 बैलेंसिंग चार्ज आ गया। यही है सबका बैलेंसिंग चार्ज, ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऐसा। फिर हम टैक्स ले रहे हैं एट द रेट 30%, यही आ गया। फिर सर मेरे पास मैं डेप्रिसिएशन को क्या कर रहा हूं, कितना 20, 16 और ये सारी चीजें, फिर इनिशियल आउटले ले रहा हूं मैं कितने का, और मैं एंड पे ले रहा हूं 22,000 रुपए का रेजिडुअल वैल्यू। सर मेरे पास ये आ गया इनिशियल आउटले,
मेरे पास ये आ गया इनफ्लोस। अगर मैं इनफ्लोस की एनपीवी निकालूं किस रेट से, 10% के रेट से, तो दिस डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू द पावर 0 एंड सो ऑन, ऐसा ये बराबर है इसके 55,356 ऐसे ही। गौर से देखना मेरे बच्चों, एग्जामिनर ने एक सवाल बनाया, एग्जामिनर ने उसकी एनपीवी निकाली और फिर एग्जामिनर ने किया ये कि उस सवाल की एनपीवी को सामने रख के एक और सवाल बनाया और हम उस एक और सवाल में इंटरेस्टेड हैं जो अभी एग्जामिनर इस एनपीवी को देख के बनाने वाला है। एग्जामिनर ने कहा भैया तीन कुछ ऐसे हैं कि एक इनिशियल आउटले है कोई 1,00,000 रुपए का और एक रेजिडुअल वैल्यू है कितने की, 22,000 रुपए की, ठीक है जी। हमारे पास डेप्रिसिएशन है 20% डिमिनिशिंग बैलेंस के ऊपर, ठीक है जी। उसने कहा कि कंपनी का जो एनुअल पीएनएल है उसमें सेल आएंगी, ठीक है जी, पता नहीं कितने यूनिट, लेकिन हमारी जो सेलिंग प्राइस होगी वो होगी कितने की, 80 रुपए की। जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी वो कितने की होगी, 20 रुपए की होगी और हमारी जो एनुअल फिक्स कॉस्ट होगी वो 5,000 रुपए की होगी। आपको और सवाल में दिया उस बंदे ने, टैक्स हमारे पास होगा कितने का, 30%, ठीक है जी। इसने कहा हमारा डिस्काउंट रेट होगा 10% और उसने कहा हमारे प्रोजेक्ट की लाइफ होगी 4 साल। इसने आपसे पता है क्या कहा, रिक्वायर्ड है टारगेट एनपीवी 55,356 सर, हाउ मैनी यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड, कितना जी एनपीवी, एनपीवी यार एनआरवी नहीं, हाँ जी और क्या बोल लो, 8 और 2 है, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, यही है। हम आपसे वो क्या कह रहे हैं जनाब, आप एक काम करें लगे आपको ये बता दें कि कितने यूनिट पे हमारा ये एनपीवी टारगेट एनपीवी अचीव हो जाएगी। अब देखो आपने करना क्या है वो जरा देख लो, तुम आपने इस सवाल में सबसे पहले आइडेंटिफाई करने कैश फ्लोस कौन कौन से हैं। जैसे मैं अगर आइडेंटिफाई करूं कैश फ्लोस तो मुझे इस सवाल में एक कैश फ्लो मिलेगा सेल्स का, एक कैश फ्लो मिलेगा वेरिएबल कॉस्ट का, एक कैश फ्लो मेरे पास आएगा सर फिक्स कॉस्ट का, एक कैश फ्लो होगा मेरे पास टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन का, ऐसा एक कैश फ्लो होगा मेरे पास इनिशियल आउटले का, एक कैश फ्लो होगा मेरे पास रेजिडुअल वैल्यू का, ऐसा। गौर से सुनिएगा दोस्त, ये जो कैश फ्लो है ये सिंगल कैश फ्लो है, क्या ये सिंगल कैश फ्लो, एक ही दफा आ रहा है इनिशियल आउटले भी एक दफा, रेजिडुअल वैल्यू भी एक दफा। ये जो कैश फ्लो है ये सीरीज है, सीरीज दैट डू नॉट, या सीरीज दैट आर, सीरीज दैट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यूनिट्स, ये यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करते, और ये दो चीजें बचती हैं जो क्या है, सीरीज दैट डिपेंड ऑन यूनिट्स। तो सर आपके कैश फ्लोस को आपने 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, सबसे पहले आपने उठाने सिंगल कैश फ्लोस, फिर आपने उठानी है वो सीरीज जो नंबर ऑफ यूनिट्स पे बेस नहीं करती, और एंड में आपने क्या रखना है वो सीरीज रखनी है जो नंबर ऑफ यूनिट्स पे बेस करती है। लेकिन कहां रखना है ये सिखा रहा हूं, बोर्ड में देखिएगा दोस्त, क्या एनपीवी बराबर है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोस से बराबर। मैं अब एनपीवी इस तरह कैलकुलेट कर रहा हूं, कैश फ्लोस
डिस्काउंट फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मुझे बताओ इनिशियल आउटले, एक सिंगल कैश फ्लो है, कितना डिस्काउंट फैक्टर, वन जीरो के बाद मल्टीप्लाई करोगे मनु जीरो हो जाएगा, ये एक रुपए की वैल्यू ईयर जीरो पे कितनी है, एक रुपया ही है, एक रुपए की वैल्यू ईयर जीरो पे कितनी है, एक रुपया। अब बताएं और सर इसके अलावा रेजिडुअल वैल्यू है कितने का, 22,000 का। इसके लिए डिस्काउंट फैक्टर निकालना बड़ा आसान है सर, सर 1/1 प्लस 10% रेस टू पावर 4, सिंगल कैश फ्लो है, क्या आ रहा है देखो ये डिस्काउंट फैक्टर, कितना बेटा 0.68 मल्टीप्लाई करो 683 जी 150 पॉजिटिव। हाँ सर रेजिडुअल पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव है, ऐसा ये आ गया मेरे पास सर, कौन से कैश फ्लोज सिंगल निपटा दिए, निपटा दिए। अब उठाओ किसको, फिक्स कॉस्ट को, फिक्स कॉस्ट कितनी है सर 5,000 रुपए आफ्टर टैक्स करो उसको, आफ्टर टैक्स 70% से मल्टीप्लाई करो आफ्टर टैक्स, क्या रहा जी 5,000 का 70% इस 3500, कैश फ्लो में रख रहे हैं 3500। क्या 3500 एक ही दफा पे करना है या बार 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 पे करना है, सर 4 बार पे करना है, तो हम क्या निकालें डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकालें, 1 - 1 + 10% रेस द पावर -4 डिवाइडेड बाय 10%, देखो क्या आ रहा है डिस्काउंट फैक्टर, देखो क्या है 3.17, ऐसा 3.169 है, 3.17 मल्टीप्लाई करो उसको 3500 से, 1101094 नेगेटिव, ऐसा आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज। भाई इनिशियल आउट ले और रेजिडुअल को क्यों आफ्टर टैक्स नहीं किया, और नशियों पॉजिटिव नहीं हो, कैपिटल कैश फ्लोज है, उसकी जगह हम डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग्स ले लेंगे ना, तो कैपिटल कैश फ्लोज के ऊपर कोई टैक्स वो लगाने की जरूरत नहीं है। आप बताएं जी हमारे पास और क्या है सर, और कोई सीरीज है, हाँ हाँ है क्या जी, डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग्स, बोर्ड पे देखना, लिखना मत। अब मैं नीचे एक वर्किंग कर रहा हूँ, बताओ मेरी डेप्रिसिएशन हर साल की कितनी होगी, ईयर 1, 2, 3, 4 20,000 16,000 और फिर हमने बैलेंसिंग चार्ज 29,200 ऐसा ऐसे ही। अब बोर्ड पे देखना, इस पे मैं क्या ले रहा हूं टैक्स सेविंग, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, निकालो 30% लो इसका 6,000, जब 12-20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे कितना टैक्स सेव होगा 6,000, फिर 4,800, फिर 38 और 2900 87। अच्छा एक चीज याद रखो, मैं ये लंबी चौड़ी कहानी नहीं करता, मैं आसानी के लिए मैं ये भी कर सकता था, गौर से देखना, ईयर 1, 2, 3, 4 मुझे बता एसेट लिया कितने का है, कैलकुलेटर पे रखो एसेट कितने का लिया, बेचोगे कितने का एंड में 22,000 रुपये, बचेगा कितना टोटल 78 को 30% से मल्टीप्लाई करो 23, ये टोटल पहले ही रख लो यहाँ पे, ऐसा अब एक काम करो अब उठाओ पहले साल का डेप्रिसिएशन निकालो कैसे, 1,00,000 मल्टीप्लाई 20% मल्टीप्लाई 30% 6,000 आ गया टैक्स सेविंग्स, 1,00,000 मल्टीप्लाई 20% से डेप्रिसिएशन आ गया, और आपने उसका 30% लेके क्या निकाल लिया, भाई अगले साल जब डेप्रिसिएशन कम होगा तो टैक्स सेविंग भी कम हो जाएगी, निकालो इसका 80%
और आखिरी साल ये मैच करने के लिए बैलेंसिंग फिगर डाल दो कितने की? 8.7 पक्का? ये आ गई हमारे पास क्या चीज, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। ऐसा अब हमने इन टैक्स सेविंग्स ही क्या निकाल ली, प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। ऐसा प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकली, इसको डिवाइड कर दो 1.1 से, कितना 10% का रेट है ना, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो ना चाचा, 5.4। अब आप एक काम और भी कर सकते हो, अगले वाले की प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हो और इस 5.4 को मल्टीप्लाई कर सकते हो 0.8 से और फिर उसको डिवाइड करो 1.1 से, एक दफा डिस्काउंट भी करो और 0.8 से भी मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है देखो कितना 3.9। अच्छा आप इसको भी ऐसे कर सकते हो डिवाइड बाय 1.1 रेज टू पावर 2, ठीक है जी, अभी तब भी यही आएगा 3.9 6.7। ऐसा यही चाहिए, फिर आगे मजीद 3.8 4.0 2.8 5 आप डिवाइड बाय 1.1 रेज टू पावर 3 और डिवाइड बाय 1.1 रेज टू पावर 4 भी कर सकते हो, कितना आएगा 5.9। इसको टोटल कर दो, इसको टोटल करो 1.8। अब ये है क्या सर, इस एसेट पे मिलने वाले सारे टैक्स सेविंग, सारे जो डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग्स मिल रहे हैं सबकी क्या है प्रेजेंट वैल्यू। अब बताओ मैं क्या करूं, ये एसेट डाल दूं सर टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन 1.8 2.8 9 पक्का? कहानी खत्म, सारे के सारे कैश फ्लोस खत्म, अब सिर्फ क्या रह गया सेल्स और, अच्छा सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि यूनिट्स नहीं है उसके, उसके तो यूनिट्स नहीं है, सेल्स भी यूनिट्स पर डिपेंड करते वेरिएबल कॉस्ट भी, हाँ दोनों को नेट कर दो तो सेम आ जाएगा, सेम कितना आ रहा देखो फिक्स। अब बोर्ड में लिखना मैं क्या कर रहा, इस 6 रुपए के सीएम को आफ्टर टैक्स भी कर दो, 6 रुपए के सीएम को आफ्टर टैक्स भी कर दो 4.0, यानी आपने 6 को 70% से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 4.2 और मैं कह रहा हूं एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स हम बेचेंगे, कितने एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स बेचेंगे, कितने साल बेचोगे, लगातार 4 साल, तो डिस्काउंट फैक्टर सेम 3.17 जो एनुटी से आ रहा है। ऐसा अब बताओ सर इसको मल्टीप्लाई करो 4.2 मल्टीप्लाई बाय 3.17 13.314x। ऐसा ये x नंबर ऑफ यूनिट्स है, ये नंबर ऑफ यूनिट्स डालने हैं आपने और क्या जाना है आपके पास, मैं कह रहा हूं ये सबकी प्रेजेंट वैल्यू बराबर है 55,000 किधर गया 55,356। अब बताओ एक इक्वेशन बन गई, अब बताओ इसमें एक वेरिएबल है x है, ये निकाल के दे सकते हो सर, वो तो हमने तो ऐसे लिटा के देखा ही, खड़े में कैसे सॉल्व होगा, कर लोगे सॉल्व, एक्स निकाल लोगे या वो निकाल के दे दो, क्या चीज 999,000 हो गई, अल्लाह माफ करे यार, ऐसा है। आप बताओ आइंदा के बाद अगर तुम एग्जामिनर कहे कि 0 NPV चाहिए तो क्या करोगे, यहाँ टारगेट 0 रख लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा 0 NPV कितने यूनिट्स पे आएगा। ऐसा आप बताओ सर जब आपको गिवन एनपीवी के लिए यूनिट्स निकालने को कहें तो आप फिर नॉर्मल तरीके से एनपीवी ना निकालें बल्कि ऐसे टेबल फॉर्म में निकाल लें, निकाल लोगे कैश फ्लो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना, सिंगल कैश फ्लो वो ले लेना, सीरीज जो भी यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करती वो ले लेना और फिर आपने आखिर में क्या ड्राफ्ट करना सर, जो नंबर ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड करता है उसका आपने सीएम ले लिया, यूनिट्स को क्या ट्रीट कर दिया, एक्स ट्रीट कर दिया, कर लोगे मैनेज,
दो एक सवाल और कर लो शुरू से लव। क्या हुआ 10 साल में क्या हुआ सवाल मुझे ट्रक से याद है। चलो जी, इस सवाल को आपने सॉल्व करना है, इसको मार्क करके रख लो, ये एक अच्छा सवाल है, ये बार बार आपको देखना पड़ सकता है। सर ये कह रहे जी, अ कंपनी हैज डिसाइडेड टू मेक अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 मिलियन रुपए, ठीक है, 10 मिलियन रुपए इन हैवी ड्यूटी ट्रक्स हैविंग अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल की लाइफ वाले ट्रक में हमने पैसा डालना है। द ट्रक्स विल बी कॉन्ट्रैक्टेड आउट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। सर हम ये
ट्रक जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे, लोग आएंगे हमें कहेंगे जी हमने कुछ सामान पहुंचाना है कश्मीर, कुछ सामान पहुंचाना है पिशावर, कुछ सामान पहुंचाना है सरगोधा, रावलपिंडी, टंडवाला यार, खिपरी, ठीक है जी, जो भी है खिप्रो सॉरी, ये तो हम क्या करेंगे इनको जो सामान भेजेंगे। वर्किंग कैपिटल हमें 1 मिलियन का चाहिए होगा शुरू में, ठीक है जी। फिर कंप्लीट सर कंप्यूट द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इन टन्स, हम कितने टन सर हर साल कैरी करें कि हमारे एनुअल कैश इनफ्लोज ब्रेक इवन पे आ जाए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स क्या मतलब सर, यानी जीरो एनपीवी चाहिए, क्या चाहिए, जीरो एनपीवी, ब्रेक इवन चाहिए। ट्रक एक टन के 5,000 रुपए चार्ज करता है, चाहे आप जहां भी ले जाओ उसको, कितने अब आपने निकालना क्या है, टन्स निकालने, ठीक है जी। एक टन पे हमारी कॉस्ट कितनी आती है, तो एक टन पे हमारा सीएम कितना होता है 2000 का, ठीक है जी। एनुअल फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, या के फिक्स कॉस्ट सालाना, डेप्रिसिएशन कितना जी 10% डिमिनिशिंग बैलेंस पे। फिर वर्किंग कैपिटल 1 मिलियन विल बी रिकवर्ड इन 10th ईयर, तो याद रखना वर्किंग कैपिटल का कोई कैश लो टैक्स वाले हिसाब किताब में मत डालना। कंपनी को 20% रिटर्न चाहिए प्रोजेक्ट के ऊपर, ये क्या है हमारा डिस्काउंट रेट। वो आपसे जाना चाह रहे हैं कि बताओ कितने टन हम सालाना जो है वो लोगों का सामान इधर उधर करें ताकि हमें ब्रेक इवन मिल जाए, कैसे करेंगे इसको। उसी तरह से रिजल्ट वैल्यू है सवाल नहीं, लेकिन और इनिशियल आउटले उसको ले लोगे, फिक्स कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग है, और सीए में खत्म, निकालो निकालो शाम ऐसे ठंडा भी थोड़ा सा और ऊपर करो। ये बुक के अंदर, ये बुक के अंदर शायद मिस हो गया है, ये शायद है शायद नहीं, क्वेश्चन में 14 नहीं है, ये है बुक में है, किस नंबर में, थैंक यू भैया जी, मैं कर रहा हूं मैं इसको करा रहा हूं, यहां देख लो चलो जी, यार तुम लोग जो है ना वो अभी से एक्सेल पे प्रैक्टिस की आदत डालो, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये ना हो कि कयामत वाले दिन कयामत की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, ये नहीं करना, ठीक है ना। तो मुझे बता मेरे पास पर्टिकुलर्स कित पर्टिकुलर्स में के बाद कैश फ्लोस डिस्काउंट फैक्टर्स और प्रेजेंट वैल्यू, यही है। सबसे पहले बताओ मेरे पास इनिशियल आउटले है कितने का, 10 मिलियन, डिस्काउंट फैक्टर एक, फिर वर्किंग कैपिटल 1 मिलियन ऐसा, डिस्काउंट फैक्टर 1, फिर रिटर्न ऑफ वर्किंग कैपिटल कितना 1 मिलियन, लेकिन कब मिलेगा ये 10 साल बाद, तो सर मेरे पास 1 / 0.2 raised to the power 10, यही है, ये आगे डिस्काउंट फैक्टर, ये आगे डिस्काउंट फैक्टर। अब ये आगे सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू, यही है, चेक कर लो। अब बताओ और क्या है हमारे पास, फिक्स कॉस्ट है, आफ्टर टैक्स बताना फिक्स कॉस्ट कितनी है सर, फिक्स कॉस्ट सर 372722 ऐसा, ये माइनस में और मल्टीप्लाई बाय 0.7 आफ्टर टैक्स कर दिया मैंने, ऊपर जो तीनों चीजें आ रही थी वो कैपिटल फ्लोज हैं, उनको टैक्स से नेट नहीं करना, टैक्स से सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस नेट होंगे, फिर ये आ गया। अब बताओ इसका एनुटी फैक्टर 1 - 1 + 0.2 raised to the power -10 / 0.2
4.1925 ऐसा सर ये आ गया इसकी प्रेजेंट वैल्यू पक्का। और क्या रह गया हमारे पास, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, सर मेरे पास डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग्स, ईयर डेप्रिसिएशन टैक्स सेविंग्स प्रेजेंट वैल्यू, सर सर 10 साल पहले साल का डेप्रिसिएशन, सर 10 मिलियन का कितना 0.1 ऐसा, सर ये जब शुरू हुआ तो उसके बाद 0.9 यही है। अब आखिरी साल तक हमारे पास ये सारे डेप्रिसिएशन आई, आखिरी साल में डेप्रिसिएशन कितना होगा, सर टोटल 10 मिलियन है माइनस ऊपर का सारा हिसाब, यही आ रहा है भाई। आपने भी यही चाहिए, एक्सेल बोल रही है जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो वर्किंग तुमने 20 मिनट जाया करके बनाई ना, ये जो बच्चा कह रहा था ना कड़प कड़प सॉल्व, ठीक है जी। अच्छा अब सुनो, टैक्स सेविंग्स इसका 30% यही है, ये आ गई जी 30% की टैक्स सेविंग्स, ये आ गई बाबू। इसकी प्रेजेंट वैल्यू सर दिस डिवाइडेड बाय 1+20% रेस टू द पावर 1, और हमने कहा भाई इसी तर्ज पे आप बाकी के सारे मामलात करके हमें टोटल बता दें। अब मैं आपके साथ ख्वार हूं बैठ के, एक फिकट निकालू है, टैक्स सेविंग्स भी करेक्ट, इनिशियल आउटले में वर्किंग कैपिटल ऐड नहीं करेंगे, कर दे भाई ऐड, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा वर्किंग कैपिटल ऐड करके उस पर डेप्रिसिएशन गेन की डाल नहीं देना गलती से, ठीक है जी। वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स होते हैं भाई, पता है जी कुछ नहीं बोल रहा हूं, तेरी कुछ अटेम्प्ट्स किसी बंदी की वजह से खराब हुई थी और अब इस दफा बंदी की वजह से खराब हुई, ठीक है जी। नाम तो बताओ जो मुझे दिल्ली में लगता है जी मेरे बच्चों, यहां तक हो गया, आप क्या रह गया हमारे पास सर, कितने लोगों ने यहां तक सही कर लिया था, चलो जी वेरी गुड पूरा। अब बता सर मेरे पास सीएम, सीएम पर यूनिट या सीएम के कैश फ्लोस कितने हैं, सीएम है मेरे पास 2000 आफ्टर टैक्स, ऐसा 2000 और आफ्टर टैक्स यही है। अब बनाया मेरे पास सर डिस्काउंट फैक्टर 4.19, सर अगर मैं ये मल्टीप्लाई कर दूं ये बनता है, बोर्ड पे देखना मेरे बच्चों, बोर्ड पे देखना मैं कह रहा हूं भैया हमने ये सब कवर करना है हमने इस सीएम के थ्रू, तो बताओ मैं कितने यूनिट्स बेचूं, वर्किंग कैपिटल पे डेप्रिसिएशन ले ली थी गलती से, अच्छा ठीक है कोई मसला नहीं है, नए नए काम करो बेटा ताकि दुनिया में कोई नई नई चीजें हम देके जाएं, ठीक है। बड़े मां के दोस्त नहीं नहीं बताओ, हम काम ऐसे देखते रहते ना, क्यों ऑफ भाई, 4:30 तक क्लास है हमारी, 4 बजे लगे ना, सही कह रहे हो, हाँ सॉरी 3 बजे लगे, सॉरी, हाँ जी हिम्मत खत्म यार, ये तो तुम लोगों का बड़ा मसला है ना, feeling dead with 69 others
गुड वन यार, गुड वन। चलो जी, कल तुम लोग को छुट्टी भी मिल रही है ना। अच्छा जी, आगे बढ़े जरा दोस्त। बिल्कुल चुप बेटा, आपसे ओपिनियन मांगा ही नहीं जा रहा। क्या करेंगे हम, 21 मिनट पड़े हैं क्लास खत्म होने। क्यों जल्दी ऑफ दे रहे हैं, पापा की शादी हमारे। चलो जी, हम आगे बढ़ते हैं दोस्त। वो क्या ऑफ ऑफ लगा के बैठे हो यार, वाकई थक गए हो क्या? कितने लोग समझते हैं कि हम आज 15-20 मिनट पहले ऑफ कर दें, और कितने लोग सोच रहे हैं कि नहीं सर आप पढ़ाएं आगे। हाँ भाई, लड़कियों का क्या ओपिनियन है? हाँ भाई, सो है ना, ऑफ रखें, जवाब दो हैं, आपकी मर्जी। चलो जी, जी ऑफ, वेरी गुड जी। और बाजी जी, बेटा भाई सारे ने कहा आपकी मर्जी, तो मेरी मर्जी है कि हम क्लास कंटिन्यू रखें। चलो यार, आज जाओ ऑफ कर लो, कल तुम्हारी छुट्टी। अच्छा सुनो सुनो सुनो, खमियाजा मैं आपको आज दूंगा 3 सवाल होमवर्क, ठीक। एक एक सवाल आज करना है, एक छुट्टी की, छुट्टी का नेमुल बदल, और तीसरा सवाल कल के लिए, ठीक है जी। कल आपकी छुट्टी है तो आप उसको करना सॉल्व, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच जी।